फ्रेंड स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है कैसे आप यहाँ पर टॉकबैक प्रॉब्लम को हटाएंगे, टॉकबैक प्रॉब्लम कैसे आप फिक्स करेंगे, स्क्रीन टच प्रॉब्लम अगर आपका लग गया है तो कैसे हटाएंगे, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। ये है वीवो के मोबाइल में। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेटिंग है, तो यहाँ पर एक फिंगर से आप टच करेंगे तो ये आपका सेटिंग ओपन नहीं होगा। तो टू फिंगर इस्तेमाल करना है आपको, सेटिंग इस तरीके से स्वाइप कर पाएंगे आप, और जो भी सेटिंग आप चाहिए तो यूज़ कर पाएंगे। इस पर क्लिक करना है, फिर डबल टैप कर देना है। किसी भी सेटिंग को ओपन करने के लिए आपको डबल टैप करना होता है। देखिए अब एक फिंगर से आप यहाँ पर टच करेंगे तो लेकिन टू फिंगर इस्तेमाल करते हुए आप इस स्क्रीन को स्वाइप करना हो तो कर पाएंगे। इस पर क्लिक करना है, इसको ओपन करना है, डबल टैप कर देना है। अब यहाँ पर वही है, यहाँ पर टू फिंगर इस्तेमाल करना है और टू फिंगर इस्तेमाल करना है। सबसे लास्ट में आपको टॉकबैक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, फिर डबल टैप करना है। स्टॉप टॉकबैक पर क्लिक करना है, डबल टैप करना है, इस पर क्लिक करना है, डबल टैप कर देना है। स्टॉप पर क्लिक करना है, डबल टैप कर देना है। तो इस तरीके से आपको करते जाना है फिक्स इस प्रॉब्लम को। तो सेटिंग आपको देख ली जैसे कि आपको मैं बताई हूँ वैसे वैसे आपको करते जाना है। फ्रेंड्स ये था लॉक स्क्रीन, जिसे आप स्क्रीन टच प्रॉब्लम को हटा सकेंगे, फिक्स कर पाएंगे। अब आपका मोबाइल जो है पहले जैसा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक ठाक। तो इस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।